अध्याय 10 के श्लोक 19 में श्री भगवान कहते हैं, हाँ अब मैं तुम्हें अपने मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरे ऐश्वर्य असीम हैं। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्च श्रेवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, सनति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्त राज प्रह्लाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में भृतसाम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं वृष्णिवंशियों में वसुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परम तप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुझसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ।